की बड़ी खबर बहराइच से। बहराइच में पत्रकारों पर फर्जी मुकदमा दर्ज कराने का मामला आया सामने। जहां पूर्व कुछ दिन पहले एक पत्रकार द्वारा प्राथमिक विद्यालय स्कूल में कवरेज करते वक्त शिक्षक ने पत्रकार को फर्जी मुकदमे में फंसाने को दी धमकी। वही शिक्षक द्वारा पत्रकार पर फर्जी मुकदमा दर्ज कराने का मामला गरमाया। बाबागंज में पत्रकारों की एक बैठक पर फर्जी मुकदमा लिखवाने वाले शिक्षक पर हो कार्रवाई। शिक्षक द्वारा पत्रकारों को धमकाने पर जनपद के पत्रकार आक्रोशित। संगठन के पत्रकारों द्वारा शिक्षक पर कार्रवाई करने की मांग भी पर अड़े पत्रकार। वही शिक्षक पर कार्रवाई न होने पर बड़े आंदोलन का चेतावनी भी दी। वही पत्रकारों द्वारा रुपैया थाना प्रभारी को एक ज्ञापन भी सौंपा। रुपैया थाना क्षेत्र के बाबागंज कस्बे का मामला है। देखिए पूरी रिपोर्ट प्रीतम सिंह के साथ। का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, मेरा नाम राजू वर्मा है। क्या मामला हुआ था आपके साथ? 11 दिसंबर को मैं एक विद्यालय कवरेज हेतु गया था, जहाँ पे शिक्षक विक्रम सिंह द्वारा वहाँ पे मेरे साथ काफ़ी दुर्व्यवहार किया गया और पत्रकार समाज को गाली देते हुए मुझे स्कूल प्रांगण से बाहर करके स्कूल बंद कर दिया। जिस संबंध में हमने अपने पत्रकार साथियों के बीच समस्त संगठनों को मैंने आह्वान किया, उस पर आज एक आवश्यक बैठक बुलाई गई और बैठक पर जो वहाँ के शिक्षक द्वारा अभद्र व्यवहार मेरे साथ किया गया है, पत्रकार समाज को गाली दी गई है और यहाँ तक कि मेरे खिलाफ कई ऐसे षड्यंत्र रचे जा रहे हैं जिसके खिलाफ मुकदमेबाजी की तैयारी वो लोग कर रहे हैं, या SST का मुकदमा लिखाना चाह रहे हैं। कई ऐसी चीज़ें हैं जो उनके द्वारा होने की संभावना है और उन्होंने इसी संबंध में थाना रुपढ़िया में एक प्रार्थना पत्र भी दिया है। तो इसी संबंध में मैंने समस्त पत्रकार साथियों को और समस्त संगठनों को मैंने आज आमंत्रित किया था। आज उनके बीच हमारी एक आवश्यक बैठक हुई है जिस पर किसी भी प्रकार से पत्रकार समाज को आहत न पहुँचे और इसी संबंध में हमने इंडियन रिपोर्टर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री राशि दिल्ली जी को भी आज आमंत्रित किया हूँ और वो भी आज हमारे बीच उपस्थित हैं और इसी संबंध में आज के बैठक में जो आगे हम किस हिसाब से कैसे क्या वर्क करेंगे उसके बारे में अध्यक्ष महोदय और आज की घटना के बारे में आपको विस्तारपूर्वक जानकारी देंगे। आज जो बैठक की गई है वो हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी जो RK वर्मा जी हैं उनके साथ में, शिक्षा विभाग के एक अध्यापक ने अभद्र व्यवहार किया है उनके साथ में और उनको विद्यालय से बाहर भेजने का काम किया है, जिस संबंध में उन्होंने उच्च अधिकारियों सहित जिलाधिकारी महोदय बहराइच को भी मांग पत्र दिया है, मगर आज करीब एक हफ्ता बीत जाने के बावजूद कार्रवाई न होने के कारण आज ये आवश्यक बैठक बुलाई है जिसमें हमारे संगठन को भी इन्होंने इन्वाइट किया है। इस संबंध में जो है हमारी जो है रणनीति तैयार हुई है। सबसे पहले हम थानाध्यक्ष उपाध्याय से मिलकर एक जो प्रार्थना पत्र उनको सौंपेंगे, उसके बाद जिलाधिकारी महोदय से वार्ता करके उनको समय दिया जाएगा 24 या 48 घंटे जो भी समय की, अगर इस पर वो कार्रवाई नहीं करते हैं तो फिर जनपद सहित पूरे उत्तर प्रदेश के पूरे देश के पत्रकार आंदोलन के लिए मजबूर हो जाएंगे और सड़कों पर निकल पड़ेंगे, क्योंकि जो है राष्ट्र की पैसे नहीं रह गया है, अब वो अपना हक छीनना जानता है। कोई बाहर से आकर वो अपनी दबंगई दिखाए, शिक्षा के मंदिर में बिल्कुल गुंडों को पाला गया है कि वो गुंडागर्दी करेंगे, कवरेज जो है नहीं करने देंगे पत्रकारों को। राष्ट्र का चौथा स्तंभ जो है स्वतंत्र है, वो किसी भी तरीके से जो बंदिश में रहकर काम नहीं करने वाला, वो स्वतंत्र रूप से अपना काम करता है और इसीलिए जो है हम लोग सभी पत्रकार संगठन और सभी पत्रकार RK वर्मा जी के साथ में हैं जो इनकी लड़ाई लड़ेंगे और इनको जो है न्याय दिलाने का काम करेंगे, चाहे वो लखनऊ जाना पड़े वहाँ, चाहे दिल्ली जाना पड़े, कहीं से भी जो है उस अध्यापक के ऊपर कार्रवाई होनी है। बस यही जो है संगठन का जो है उद्देश्य है, यही बैठक में आज तय किया गया है।